ओम शांति। आज की मुरली 10 फरवरी, मीठे बच्चे सबको एक खुशखबरी सुनाओ कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है, हेवेनली गॉडफादर आए हुए हैं। प्रश्न, जिन बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनने की खुशी है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उनके अंदर किसी भी प्रकार का दुख नहीं आ सकता, उन्हें नशा रहेगा कि हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, हमें बेहद का बाप ऐसा मना लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। उनकी चलन बहुत रॉयल होगी, वो दूसरों को खुशखबरी सुनाने के सिवाय रह नहीं सकते। ओम शांति। बाप समझाते हैं और बच्चे जानते हैं कि भारत खास और दुनिया आम को ये संदेश पहुंचाना है। तुम सब संदेशी हो, बहुत खुशी का संदेश सबको देना है कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है अथवा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। भारत में बाप जिनको हेवेनली गॉडफादर कहते हैं वही स्थापना कराने आए हैं। तुम बच्चों को डायरेक्शन है कि ये खुशखबरी सबको अच्छी रीति सुनाओ, हर एक को अपने धर्म की तात रहती है, तुमको भी तात है। तुम खुशखबरी सुनाते हो, भारत के सूर्यवंशी देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, अर्थात भारत फिर से स्वर्ग बन रहा है। ये खुशी अंदर में रहनी चाहिए, हम अभी स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। जिनको ये खुशी अंदर में है उनको दुख तो कोई भी किस्म का हो नहीं सकता। ये तो बच्चे जानते हैं, नई दुनिया स्थापन होने में तकलीफ भी होती है, अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बच्चों को ये सदैव स्मृति में रहना चाहिए, हम भारत को बेहद की खुशखबरी सुनाते हैं, जैसे बाबा ने पर्ची चपवाई है। बहनों भाइयों, आकर एक खुशखबरी सुनो, सारा दिन ख्याल चलते हैं कैसे सबको ये संदेश सुनाए, बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए हैं। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर तो सारा दिन हर्षित रहना चाहिए। तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, इसलिए तुम्हारी कोई भी जंगली चलन नहीं होनी चाहिए। तुम जानते हो हम बंदर से भी बदतर थे, अभी बाबा हमको ऐसा देवी देवता बनाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु वंडर है बच्चों को वो खुशी रहती नहीं है, ना वो सुमंग से सबको खुशखबरी सुनाते हैं, बाप ने तुमको मैसेंजर बनाया है, सबके कान पर ये मैसेज देते रहो। भारतवासियों को ये पता ही नहीं है कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म कब रचा गया, फिर कहां गया, अभी तो सिर्फ चित्र है। और सभी धर्म है, सिर्फ देवी देवता धर्म है नहीं, भारत में ही चित्र है। तुम सबको एक खुशखबरी सुनाओ, तुमको भी अंदर में खुशी रहेगी। प्रदर्शनी में तुम वो खुशखबरी सुनाते हो ना, बेहद के बाप से आकर स्वर्ग का वर्षा लो। प्रदर्शनी की सर्विस तो बहुत अच्छी है, जिनको गृहस्थ व्यवहार का बंधन नहीं, वानप्रस्थी है अथवा विधवाएं हैं, कुमारियां हैं, उनको तो सर्विस का बहुत चांस है, सर्विस में लग जाना चाहिए। इस समय शादी करना बर्बादी करना है, शादी ना करना आबादी है। बाप कहते हैं ये मृत्युलोक पति दुनिया विनाश हो रही है, तुमको पवित्र दुनिया में चलना है तो इस सर्विस में लग जाना चाहिए। प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी करनी चाहिए, सर्विसबल बच्चे जो है उन्हें सर्विस का शौक अच्छा है। बाबा से कोई कोई पूछते हैं हम सर्विस छोड़े, बाबा देखते हैं लाइक है तो छुट्टी देते हैं, बल सर्विस करो। ऐसी खुशखबरी सबको सुनानी है, देखना चाहिए हमारे में कौन से अवगुण है। तुम इन बैजेस पर तो बहुत सर्विस कर सकते हो, ये फर्स्ट क्लास चीज है, बल पाई पैसे की चीज है, परंतु इनसे कितना ऊंच पद पा सकते हैं। मनुष्य पढ़ने के लिए किताबें आदि पर कितना खर्चा करते हैं, यहाँ किताब आदि की तो बात नहीं, सिर्फ सबके कानों में संदेश देना है, ये है बाप का सच्चा मंत्र। बाकी तो सब झूठे मंत्र देते रहते हैं, झूठी चीज की वैल्यू थोड़ी ही होती है, वैल्यू हीरों की होती है ना कि पत्थरों की। बाप कहते हैं मुझे याद करो, कितना सहज है, परंतु इतनी तमो प्रधान बुद्धि है जो कुछ भी धारणा होती नहीं, विकारों की प्रवेशता है। जानवर भी किस्म किस्म के होते हैं,
कोई में क्रोध बहुत होता है। हर एक जानवर का स्वभाव अलग होता है, किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं दुख देने के। सबसे पहले दुख देने का विकार है काम कटारी चलाना। रावण राज्य में यही इन विकारों का राज। बाप तो रोज समझाते रहते हैं, कितनी अच्छी अच्छी बच्चियां हैं बिचारी कैद में हैं, जिनको बांदेली कहते हैं। वास्तव में उनमें अगर ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए तो फिर कोई भी उनको पकड़ ना सके, परंतु मुंह की रग बहुत है। संन्यासों को भी घर-बार याद पड़ता है, बड़ा मुश्किल से वो रग छूटती है। अभी तुमको तो मित्र संबंधियों आदि सबको भूलना ही है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया ही खत्म होने वाली है। इस शरीर को भी भूल जाना है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, पवित्र बनना है। 84 जन्मों का पाठ तो बजाना ही है, बीच में तो कोई वापस जा ना सके। अभी नाटक भी पूरा होता है, तो पहले नब्ज देखनी है, पहले अपनी नब्ज देखनी है। हम कहां तक लायक बने हैं, स्वर्ग में जाए क्या करेंगे, तो पहले लायक तो बनना पड़े ना। ये चित्र भी प्रदर्शन में बहुत काम आ सकते हैं, इन पर समझाना है। हमको ऊंचे ते ऊंच बाप जो सुनाते हैं वही हम सुनते हैं। भक्ति मार्ग के बातें सुनना हम पसंद नहीं करते। ये चित्र तो बहुत अच्छी चीज है, इन पर तुम सर्विस बहुत कर सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सर, पहली पॉइंट, अपनी नब्ज देखनी है कि हम कहां तक लायक बने हैं। लायक बन सर्विस का सबूत देना है, ज्ञान की पराकाष्ठा से बंधन मुक्त बनना है। दूसरी पॉइंट, एक बाप की मत पर चल, अवगुणों को अंदर से निकालना है। एक बाप की मत पर चल, अवगुणों को अंदर से निकालना है। दुखदायी स्वभाव को छोड़ सुखदायी बनना है। ज्ञान रत्नों का दान करना है। वरदान, अटल भावी को जानते हुए भी श्रेष्ठ कार्य को प्रत्यक्ष रूप देने वाले सदा समर्थ भवा। अटल भावी को जानते हुए भी श्रेष्ठ कार्य को प्रत्यक्ष रूप देने वाले सदा समर्थ भवा। इसका विवरण, नया श्रेष्ठ विश्व बनने की भावी अटल होते हुए भी समर्थ भाव के वरदानी बच्चे सिर्फ कर्म और फल के, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के, निमित्त और निर्माण के कर्म फिलॉसफी अनुसार निमित्त बन कार्य करते हैं। दुनिया वालों को उम्मीद नहीं दिखाई देती और आप कहते हो ये कार्य अनेक बार हुआ है, अभी भी हुआ ही पड़ा है, क्योंकि स्वपरिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं। साथ साथ परमात्मा कार्य सदा सफल आई ही। स्लोगन, कहना कम करना ज्यादा, ये श्रेष्ठ लक्ष्य महान बना देगा। अच्छा, ओम शांति।